हेलो फूडीज, वेलकम बैक टू चोको क्रेविंग्स। रेस्टो स्टाइल सूप घर पे कैसे बनाते हैं, आज हम वो देखने वाले हैं। इसके लिए हमें चाहिए ब्लैक पेपर, डार्क सोया सॉस, कॉर्नफ्लोर, थोड़ा सा सॉल्ट, ऑयल, मैगी मसाला, ये ऑप्शनल है। इसके बाद विनेगर और वेजिटेबल्स में मैंने लिया है गोभी, शिमला मिर्च, ये मैंने एकदम बारीक काटा है। इसी के साथ प्याज, अदरक और लहसुन, टोमेटो और हरी मिर्च, ये सब मैंने एकदम बारीक कट किया है। सबसे पहले हम पैन में ऑयल गरम कर लेंगे। गरम तेल में हम डालेंगे चॉप की हुई जिंजर गार्लिक। सबसे पहले हमें इसे फ्राई करना है। जिंजर और गार्लिक अच्छे से फ्राई होने के बाद हम इसमें डालेंगे प्याज, बारीक कटी हुई हरी मिर्च, इन सभी इंग्रेडिएंट्स को हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। जैसे ही हमारे इंग्रेडिएंट्स अच्छे से फ्राई हो जाएंगे, हम इसमें डालेंगे कैबेज और कैप्सिकम, यानी कि बारीक कटा हुआ गोभी और शिमला मिर्च, और इसी के साथ हम टोमाटो भी डालेंगे। सारे वेजिटेबल्स को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आपके पास कोई और एडिशनल वेजिटेबल्स होगी तो फिर आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, और कुछ नहीं होगा तो आप वो स्किप कर सकते हैं। आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग आप चीज़ों को ऐड कर सकते हैं। वेजिटेबल्स अच्छे से फ्राई होने के बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। यहाँ पे हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा विनेगर। इसके बाद हम इसमें थोड़ा सा सोया सॉस डालेंगे। सॉल्ट टेस्ट के अकॉर्डिंग, थोड़ा सा ब्लैक पेपर, इसे थोड़ा और टेस्टी बनाने के लिए मैं इसमें डालूंगी मैगी मसाला। आप ये स्किप भी कर सकते हैं। आपको सूप स्पाइसी चाहिए तो थोड़ा सा इसमें रेड चिली पाउडर डालिए। और इसके बाद मैंने यहाँ पे लिया है कॉर्नफ्लोर और उसमें थोड़ा सा पानी डालूंगी, उसे अच्छे से मिक्स करूँगी। मिक्स करते समय ध्यान रखना कि यहाँ पे कोई लम्स ना बने। इसे अच्छे से बॉईल कर ले और इसके बाद आपका सूप एकदम रेडी। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू अवर चैनल। स्टे हेल्दी, बी हैप्पी। बाय।